कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स पर। CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2023-24 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन बुक डिपो में जाकर के आप हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर का हमारा पहला टॉपिक है ऐतिहासिक गांव तरी घाट। ये जो तरी घाट है, ये हमारे प्रदेश का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, प्रमुख पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट, ऐतिहासिक गांव तरी घाट। ये जो तरी घाट है, ये दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के अंतर्गत खारून नदी के तट पर स्थित है। दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में खारून नदी के तट पर स्थित है प्रमुख पुरातात्विक स्थल तरी घाट। हाल ही में तरी घाट चर्चा में क्यों आया? इस तरी घाट से हमें मिट्टी एवं हाथी के दांत से बने हुए, हाथी के हड्डियों से बने हुए पासे मिले हैं। जो लूडो गेम होता है, लूडो गेम में जो डाइस यूज होता है, पासा जो यूज होता है, वो मिला है हमें इस तरी घाट से। डाइस देखे कि नहीं? यहां पर अगर आपको इमेज समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहां पर आपको बना के दिखा रहा हूं। देखिए, कुछ ऐसे शेप में रहता है डाइस, जिसमें नंबर्स, यहां पे आपके नंबर्स डॉट में नंबर्स बने होते हैं, ऐसे टाइप के, ये डाइस। मिट्टी एवं हाथी के दांत और हड्डियों से निर्मित लूडो की गोटी पासा प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए ये तरी घाट है, इसमें उत्खनन वर्ष 2012-13 से, वर्ष 2012-13 से यहां पर उत्खनन प्रारंभ हो चुका है। यहां के उत्खनन करता है आपके जे आर भगत के नेतृत्व में यहां पर उत्खनन किया जा रहा है वर्ष 2012-13 से। यह जो आपका पुरातात्विक स्थल है तरी घाट, इस तरी घाट में अगर आप देखेंगे, देखिए यहां पर जो आपके पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये राजा जगतपाल के राज्य का हिस्सा था। ठीक है, यहां पे खुदाई के दौरान कुछ स्थान प्राप्त हुए हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे खंड खंड आपको जो जगह दिख रहा है, इसे राजा जगतपाल, इस हिस्से में राजा जगतपाल के राज्य का हिस्सा था, जो कि 2500 साल पहले का था। ठीक है, यहां पे जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, 2500 साल पहले के राजा जगतपाल के राज्य के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? यहां पर 2 सेंटीमीटर मोटा चौकोर यानी कि लूडो, 2 सेंटीमीटर मोटा चौकोर तथा कच्ची मिट्टी और हाथी दांत से तैयार 1 दर्जन से ज्यादा पासा मिला है। ठीक है, चौकोर का मतलब क्या होता है? लूडो। यहां पर एक लूडो भी मिला है, साथ ही साथ कच्ची मिट्टी और हाथी दांत से तैयार 1 दर्जन से ज्यादा पासा प्राप्त हुआ है इस तरी घाट नामक स्थान से। ठीक है, इसलिए चर्चा में आया। देखिए, अगर कालक्रम की बात की जाए तो ये जो पासा प्राप्त हुआ है, ये पासा, ये ईसा पूर्व 2 शताब्दी का लूडो और पासा है। ठीक है, प्रथम दृष्टया देखने पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लूडो और जो पासा प्राप्त हुआ है, ये ईसा पूर्व 2 शताब्दी के आसपास का है। ठीक है, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये तरी घाट उत्खनन क्षेत्र है, ये तरी घाट का आपका उत्खनन क्षेत्र है, जहां पर वर्ष 2012-13 से जे.आर. भगत के नेतृत्व में उत्खनन हो रहा है। और ये स्थान हाल ही में चर्चा में क्यों आया? क्योंकि यहां से मिला है लूडो और पासा, मिट्टी से निर्मित। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि तरी घाट, पुरातात्विक स्थल तरी घाट किस नदी के तट पर स्थित है, तो खारून नदी के तट पर स्थित है। इसे खारून नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए आगे कुछ और इमेजेस है। अच्छा, इमेजेस इतने ही है, चलिए देखिए नेक्स्ट है धान और मक्का खरीदी। हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा इस
खरीफ विपणन वर्ष में धार और मक्का खरीदी के तिथियों की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, देखिए धान और आपका मक्का, सबसे पहले इनकी खरीदी करने वाली संस्था, हमारे प्रदेश में धान की खरीदी करने वाली संस्था का नाम है मार्कफेड, जबकि मक्का की खरीदी करने वाली संस्था का नाम है मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम। इनके द्वारा जो है धान और मक्का की खरीदी की जाती है। इस खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान की खरीदी 1 नवंबर 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक धान की खरीदी की जाएगी, जबकि मक्के की खरीदी 1 नवंबर 2023 से प्रारंभ होकर के 28 फरवरी 2024 तक मक्के की खरीदी की जाएगी। ठीक है, तो ये धान और मक्के की खरीदी की तिथि निर्धारित की गई है। इसमें आगे हो सकता है आने वाले समय में इसके तिथियों में कुछ अपडेट हमें देखने के लिए मिले। कई बार क्या होता है कि कुछ किसान टोकन ले लेते हैं लेकिन वो अपने धान नहीं बेच पाते, इस कारण से तिथि को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन फिलहाल अभी घोषणा किया गया है कि धान की खरीदी 1 नवंबर 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक, मक्के की खरीदी 1 नवंबर 2023 से लेकर के 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी। आगे आने वाले समय में इन तिथियों में हमें कुछ अपडेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार निर्धारित करती है। केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य है आपके धान के लिए, सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2183 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, 2183 रुपये प्रति कुंटल ये सामान्य धान की खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जबकि ग्रेड ए धान की खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है 2203 रुपये प्रति कुंटल, 2203 रुपये प्रति कुंटल, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार धान की खरीदी करती है 2640 रुपये प्रति कुंटल की दर से। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा कीमत पर इस धान की खरीदी की जाती है हमारे प्रदेश में। छत्तीसगढ़ सरकार 2640 रुपये प्रति कुंटल की दर से धान की खरीदी करेगी। ठीक है, जबकि मक्के की खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है 2090 रुपये प्रति कुंटल। ठीक, अब देखिए अधिकतम सीमा, एक किसान से, एक एकड़ से अधिकतम कितने धान या मक्के की खरीदी की जाएगी। तो यहाँ पर जो अधिकतम सीमा निर्धारित है वो है 20 कुंटल प्रति एकड़। देखिए जो किसान अपना पंजीकरण कराते हैं वो अपने खेत की, अपनी भूमि का ब्यौरा देते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 8 एकड़ ऐसे जो है अपना ब्यौरा देते हैं। तो प्रति एकड़, एक किसान से प्रति एकड़ अधिकतम 20 कुंटल धान की खरीदी की जाएगी। अब देखिए क्या होता है ना, कई बार किसान क्या करते हैं, जैसे अगर हम बात करें हमारे जो आसपास के राज्य है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ पर जो धान की खरीदी है वो केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार आसपास के राज्यों से ज़्यादा कीमत पर धान की खरीदी करती है। अब क्या होता है, इसमें जो है आसपास के राज्य के किसान हमारे छत्तीसगढ़ में धान खपाने का प्रयास करते हैं, तो इसीलिए क्या किया गया है, एक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है कि एक एकड़ से, एक किसान से, एक एकड़ से अधिकतम 20 कुंटल ही धान की खरीदी की जाएगी, उससे ज्यादा धान की खरीदी नहीं की जाएगी। तो प्रति एकड़ 20 कुंटल धान की खरीदी, ये पहले 15 कुंटल था, ठीक है, पहले ये क्या कितना था, ये पहले 15 कुंटल प्रति एकड़ था, 15 कुंटल प्रति एकड़, जिसे बढ़ा करके 20 कुंटल प्रति एकड़ कर दिया गया है। ठीक है, और दूसरा है आपका मक्का, मक्का की खरीदी 10 कुंटल प्रति एकड़ की जाएगी अधिकतम, एक एकड़ से अधिकतम 20 कुंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी और एक एकड़ से अधिकतम 10 कुंटल प्रति एकड़ मक्का की खरीदी की जाएगी। ठीक, इस साल धान खरीदी का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो है 110 लाख मैट्रिक टन, ये लक्ष्य है, टारगेट है। पिछले साल यानी कि 2022-23 में धान खरीदी का लक्ष्य था 110 लाख मेट्रिक टन, तो इस लक्ष्य के विपरीत धान की खरीदी हुई थी 107 लाख मेट्रिक टन, दशमलव में कुछ और था, 107 लाख मेट्रिक टन के आसपास धान की खरीदी हुई। इस साल प्रदेश सरकार ने अपने लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया है 125 लाख मेट्रिक टन।
ठीक है। अब आगे आने वाले समय पता चलेगा कि धान की खरीदी कितनी हुई, जब आपके जनवरी में धान खरीदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये तिथियों को याद रखिएगा, और इसको स्पेशली याद रखिएगा, ये अपडेशन है। पिछले बार ये 15 क्विंटल प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 20 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया गया है धान की खरीदी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर विश्वकर्मा सम्मान। देखिए एक करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर का भी टॉपिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर 2023 विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। परंपरागत कार्य को बढ़ावा देने के लिए, परंपरागत कार्य यानी कि लोहार, बढ़ई, नाई, ये जो अपने परंपरागत कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती था, ठीक है। तो डेट को याद रखिएगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना किस तिथि को प्रारंभ किया गया, तो ये था आपका 17 सितंबर 2023 को, ठीक है। और इसी विश्वकर्मा जयंती के दिन ही राष्ट्रीय स्तर विश्वकर्मा सम्मान भी प्रदान किया गया। देखिए हमारे प्रदेश के गज्जू निर्मलकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया। ये जो गज्जू निर्मलकर है, ये लॉन्ड्री का व्यवसाय करते हैं, ठीक है। लॉन्ड्री जो कि आपका एक परंपरागत व्यवसाय है, ठीक है, लॉन्ड्री यानी कि धोबी, ये भी एक परंपरागत व्यवसाय है आपका। लॉन्ड्री हो गया, लोहार हो गया, बढ़ाई हो गया, जो हस्तशिल्प का कार्य करते हैं, ये सभी के सभी परंपरागत व्यवसाय है। तो लॉन्ड्री के व्यवसाय करने वाले गज्जू निर्मलकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। देखिए ये जो सम्मान है, यह विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ही प्रदान किया गया है। विश्वकर्मा योजना पूरे देश से 18 लोगों को जो पैतृक कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि परंपरागत कार्य करते हैं, उन्हें इस पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो पूरे देश से 18 लोगों का चयन हुआ था। इन 18 लोगों में हमारे प्रदेश के गज्जू निर्मलकर जो कि लॉन्ड्री का व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। ये है आपके गज्जू निर्मलकर जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशियन गेम्स में शामिल छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी, ठीक है। एशियन गेम्स जिसका आयोजन हो रहा है चीन के हांगझोऊ में एशियन गेम्स का आयोजन हो रहा है। भारत से बहुत से खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ से इस एशियन गेम्स में शामिल होने वाली एकमात्र खिलाड़ी है, जिनका नाम है पूनम चतुर्वेदी, ठीक है। पूनम चतुर्वेदी, न ही आकर्षी कश्यप, न ही ज्ञानेश्वरी यादव, ठीक है। हमारे प्रदेश के स्टार प्लेयर है आकर्षी कश्यप, ज्ञानेश्वरी यादव, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। शामिल कौन हुई है? पूनम चतुर्वेदी, जो कि बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। ये है पूनम चतुर्वेदी, ठीक है। काफ़ी लंबी हाइट है इनकी, लगभग 7 फीट इनकी हाइट है, और बास्केटबॉल के खेल में जो है ज़्यादा हाइट वाले प्लेयर को ही शामिल किया जाता है। तो लगभग 7 फीट इनकी ऊंचाई है। अगर आप कंपेयर करेंगे इनके कोच से, तो इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इनकी ऊंचाई के कारण ही ये जो है बास्केटबॉल के खेल में भी इन्हें शामिल किया गया है, और इनके हाइट के कारण ही इन्हें एशियन गेम्स में भी इन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया है, ठीक। एक्चुअली में जो आपकी पूनम चतुर्वेदी जी जो है, ये ब्रेन ट्यूमर नामक एक बीमारी से ग्रसित है, इस कारण से इनकी जो लंबाई है उसमें भी असामान्य वृद्धि हुई, ठीक है। लेकिन अपने बीमारी को साइड रखते हुए इन्होंने अपने करियर में बास्केटबॉल को चुना, और ये काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन भी कर रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में ये ट्रेनिंग लेती है बास्केटबॉल की। एशियन गेम्स में शामिल हमारे छत्तीसगढ़ की एकमात्र खिलाड़ी है पूनम चतुर्वेदी, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी बास्केटबॉल खिलाड़ी है पूनम चतुर्वेदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, इसी एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो देखिए, भारत के 31 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों के खिलाड़ी इस बार ले रहे हैं गेम्स में हिस्सा। यहाँ पे आपका इंडिया का मैप बना हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो शामिल हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके हरियाणा से।
हरियाणा से हर साल सबसे ज्यादा खिलाड़ी शामिल होते हैं, ठीक है, हरियाणा से लगभग 89। उसके बाद सेकंड नंबर पर है आपका सेकंड नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, जहां से 73 खिलाड़ी एशियन गेम्स में शामिल हुए हैं, और थर्ड नंबर पर है पंजाब, जहां से 50 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से मात्र एक खिलाड़ी शामिल हुई है, पूनम चतुर्वेदी, बास्केटबॉल प्लेयर। अगर आप कंपेयर करेंगे जो साइड में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, केंद्र शासित प्रदेश, वहां से 3 खिलाड़ी शामिल हुए, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ से मात्र एक खिलाड़ी शामिल है, पूनम चतुर्वेदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार 2023। हमारे छत्तीसगढ़ के कवर्धा कबीरधाम जिले के सरोदा दादर ग्राम को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार के पुरस्कारों से एग्जाम में अभी बहुत से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप पिछले दो साल के अगर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे, चाहे पीएससी हो या व्यापम हो, जो इस प्रकार के जो पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं ना, इन पुरस्कारों से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, कबीरधाम जिले के सरोदा दादर ग्राम को। इस सरोदा दादर ग्राम में ही मौजूद है आपका बैगा एथनिक रिसोर्ट, इसको भी याद रखना, ठीक है। सरोदा दादर में मौजूद है आपका बैगा एथनिक रिसोर्ट। विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। रजत श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार सम्मानित किया गया है, पुरस्कार प्रदान किया गया है आपके सरोदा दादर ग्राम को। सरोदा दादर का चयन देश भर के 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 795 गांवों में से किया गया है इस सरोदा दादर का चयन। राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्रदान किया गया है सरोदा दादर कबीरधाम को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां पर इमेज भी है, सरोदा दादर छत्तीसगढ़ बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 19 जुलाई 2023 को घोषणा किया गया था कि छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की जाएगी। घोषणा की गई थी 19 जुलाई 2023 को, जबकि इसका शुभारंभ किया गया 25 सितंबर 2023 को। 25 सितंबर 2023 को बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के अंतर्गत एक गांव आता है परसदा सकरी करके। इस परसदा सकरी में एक सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी जी, ठीक है, ये मुख्य अतिथि थे। इन्हीं के द्वारा 25 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की गई। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आगामी सभी एग्जाम में इस डेट से प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। एक नवीन योजना है, इसका शुरुआत की तिथि को हुआ एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2023 को बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के परसदा सकरी ग्राम से इसकी शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि थे श्री राहुल गांधी जी। आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए इस ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की गई। देखिए प्रावधान क्या है, योजना के लिए राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है इस योजना के लिए। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के लाभार्थी को 30,000 आवास के लिए स्वीकृत पत्र सौंपे गए हैं। इसके प्रथम चरण में 30,000 आवास के लिए स्वीकृत पत्र सौंपे गए हैं। ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 47,090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। आगामी वर्ष में चरणबद्ध रूप से कुल 10,76,000 हितग्राही इसके अंतर्गत लाभान्वित किए जाएंगे। देखिए प्रथम चरण में टोटल 47,090 आवासहीन परिवार लाभान्वित होंगे, जिसमें से जिस रोज शुभारंभ किया गया उस दिन 30,000 आवास के लिए स्वीकृत पत्र सौंप दिए गए हैं। बचे हुए लोगों को और सौंपे जाएंगे और आगामी समय में, आगामी वर्षों में जो है 10,76,000 परिवार इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। देखिए एक्चुअली में
ये छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना क्यों लाया गया? एक जो केंद्र सरकार की योजना है पीएम ग्रामीण पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना के अंतर्गत बहुत से छत्तीसगढ़ के जो निवासी है वो उस पीएम आवास योजना के पात्रता के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। उसकी जो पात्रता है उस पात्रता के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वे लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे लोग जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल नहीं किया गया है उन लोगों के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की गई है। जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले चुके हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। जो बचे हुए जो लोग हैं उनके लिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र हो चुके हैं उनके लिए है छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना, ठीक है। शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2023 को इस योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट देखिए, यह है आवास न्याय योजना सम्मेलन 25 सितंबर 2023 बिलासपुर छत्तीसगढ़ परसदा सकरी, ठीक। देखिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना में 30,000 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र वितरण किया गया। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,00,000 हितग्राहियों को 25,000 रुपए के मान से प्रथम किस्त दी गई। जो मैं आपको जो योजना बता रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस योजना के अंतर्गत जो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं उनके लिए लाया गया है छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की गई, स्वीकृति पत्र वितरित किए गए और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो पात्र है उन्हें भी 25,000 रुपए की राशि जो केंद्र सरकार से स्वीकृत थी वो भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के 500 हितग्राहियों को 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की गई इस आवास न्याय योजना, इस आवास न्याय सम्मेलन के अंतर्गत, ठीक। बाकी और भी है, अगर आप देखेंगे नगरीय क्षेत्र में 1117 वन अधिकार पत्र वितरित किए गए बिलासपुर में, ये बाकी चीज़ आप यहाँ से देख करके पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना में 30,000 हितग्राहियों को आवास पत्र स्वीकृत किए गए हैं और दूसरा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के 500 हितग्राहियों को 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की गई, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आत्मानंद कोचिंग। देखिए हमारे प्रदेश में सबसे पहले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की गई, उसके बाद स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल की शुरुआत की गई। अब इस स्वामी आत्मानंद विद्यालय के तर्ज पर स्वामी आत्मानंद कोचिंग की शुरुआत की जा रही है। देखिए सबसे पहले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल लाया गया, उसके बाद स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय योजना लाया गया, उसके बाद स्वामी आत्मानंद कॉलेज का कॉन्सेप्ट लाया गया, अंग्रेजी माध्यम कॉलेज, अब लाया जा रहा है स्वामी आत्मानंद कोचिंग। अब इस स्वामी आत्मानंद कोचिंग क्या है? देखिए प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिंदी उत्कृष्ट स्कूलों के बाद अब राज्य सरकार स्वामी आत्मानंद कोचिंग प्रारंभ करने जा रही है। 25 सितंबर को इसकी लॉन्चिंग की गई, घोषणा किया गया है। इसमें इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी, शिक्षा विभाग इसका संचालन करेगा। इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टर व संयुक्त संचालकों को आदेश जारी कर दिया गया है। देखिए इसकी घोषणा की गई थी 25 सितंबर 2023 को, जबकि ध्यान दीजिए 3 अक्टूबर यानी कि कल 3 अक्टूबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई, शुभारंभ किया गया, ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया। ये स्पेशली आपका इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग दिए जाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। टोटल 150 सेंटर संचालित होंगे राज्य में, 146 ब्लॉक में 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कोचिंग मिलेगा, 100 विद्यार्थी ही होंगे कोचिंग सेंटर में, 50 मेडिकल के और 50 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कोचिंग दिया जाएगा और ये जो कोचिंग है ये काफ़ी महंगे होते हैं इंजीनियरिंग के और आपके मेडिकल के, तो एक कोचिंग सेंटर में अधिकतम 100 स्टूडेंट होंगे जिसमें से 50 इंजीनियरिंग के और 50 मेडिकल के स्टूडेंट होंगे।
टोटल 150 सेंटर संचालित होंगे, जिसमें से 146 ब्लॉक स्तर पर 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे, ठीक है। और इसका शुरुआत कब हुआ, 3 अक्टूबर 2023 को इसकी शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना, इसकी भी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने काफी पहले किया था। कृषक सह श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया 28 सितंबर 2023 को, 28 सितंबर 2023 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, कृषक सह श्रमिक सम्मेलन, कृषक सह श्रमिक सम्मेलन 28 सितंबर 2023 ग्राम सुमा भाटा बलौदा बाजार भाटापारा में, ठीक है, बलौदा बाजार भाटापारा जिले में सुमा भाटा नामक स्थान पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इस योजना के अंतर्गत 10 साल तक पंजीकृत रहे एवं 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिकों को जीवन पर्यंत पेंशन सहायता दी जाएगी और यह पेंशन राशि होगी 1500 रुपये प्रतिमाह। देखिए, छत्तीसगढ़ श्रमिक निर्माण मंडल के अंतर्गत 10 साल से पंजीकृत, यानी कि ऐसे श्रमिक जो कि पिछले 10 साल से छत्तीसगढ़ श्रमिक निर्माण मंडल में पिछले 10 साल से क्या है, पंजीकृत है, पंजीकृत है, और वह 60 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं, तो 60 साल की आयु पूर्ण होने के बाद उन्हें आगे का जीवन व्यापन करने के लिए जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक वे जीवित है, उन्हें 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाएगा। यह है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत कब हुई, 28 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई, किस स्थान से हुई, बड़ौदा बाजार भाटापारा जिले के सुमा भाटा नामक स्थान से, कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में इसकी शुरुआत की गई। इसमें पेंशन राशि कितनी प्रदान की जाएगी, 1500 रुपए प्रति माह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, प्रदेश का गन्ना बेस यानी कि गन्ना पर आधारित सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट, ठीक है। देखिए, एथेनॉल का जो उपयोग है ना, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में किया जाता है, पेट्रोल जिसका रेट काफ़ी ज़्यादा है, पेट्रोल में लगभग आपका 10% या 15% के आसपास एथेनॉल मिलाया जाएगा, तो ये है आपका एथेनॉल प्लांट। हमारे प्रदेश में गन्ना बेस यानी कि गन्ना पर आधारित सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट, इसका लोकार्पण कर दिया गया है 26 सितंबर 2023 को भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के श्रमिक कबीरधाम जिले में, कबीरधाम जिले में ये मौजूद है आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना, और उसी के साइड में लगाया गया है एथेनॉल प्लांट। अब ये एथेनॉल प्लांट इसके साइड में क्यों लगाया गया है, देखिए क्या लिखा है, गन्ना बेस यानी कि गन्ना पर आधारित एथेनॉल प्लांट, गन्ने की जो आपकी भूसी बचे रहेगी, देखिए ध्यान समझिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2600 टन मोलासिस से 80,000 लीटर एथेनॉल निर्माण किया जाएगा प्रतिदिन। ये मोलासिस का मतलब क्या होता है, जो गन्ना होता है, गन्ने की पेराई करने के बाद जो गन्ने की भूसी बच रहती है, आप में से हर कोई कभी ना कभी गन्ना रस पिए होंगे, गन्ना रस जिसमें जो है दो रोलर लगे रहते हैं, रोलर के बीच में से गन्ने को गुजारा जाता है, गन्ने का रस निकलता है, जो गन्ने का जो रस निकलता है वो शुगर बनाने यानी कि शक्कर बनाने में उसको उपयोग होता है, लेकिन गन्ने की जो भूसी बचे रहती है उस भूसी से यानी कि गन्ने की मोलासिस से 80,000 लीटर एथेनॉल निर्माण किया जाएगा प्रतिदिन इस आपके एथेनॉल प्लांट में। देखिए, ये जो एथेनॉल प्लांट है, ये पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल से इथेनॉल प्लांट स्थापना का पूरे देश में यह पहला उदाहरण है, ठीक है, यानी कि ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित ये पहला एथेनॉल प्लांट है हमारे देश का। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने तथा छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड की सहायता इकाई NKJ बायोफ्यूल लिमिटेड के मध्य अनुबंध हुआ है इस फैक्ट्री के लिए, इस प्लांट के लिए। तो पहला प्लांट ये, इसका लोकार्पण कब हुआ, 26 सितंबर 2023 को, तिथि आधारित प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, जिसमें 80,000 लीटर एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा प्रतिदिन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चाक परियोजना। ये चाक परियोजना से तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त
प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए ये चलाई जा रही परियोजना है चाक परियोजना, CHALK। चाक का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी, जो कि विश्व सहायता के समर्थन से प्रारंभ किया गया है, जिसमें 2500 करोड़ रुपए, एक्चुअली में 2469 करोड़ रुपए है, लेकिन अभी हाल ही में अपडेट या न्यूज़पेपर में जो चर्चा में रहा उसमें 2500 करोड़ रुपए की राशि बताई जा रही है। 2500 करोड़ रुपए विश्व बैंक के द्वारा अगले 5 साल में, यानी कि जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक यह राशि प्रदान की जाएगी छत्तीसगढ़ को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। देखिए एक्चुअली में क्या हुआ था, जब कोरोना का काल आया, पूरा लॉकडाउन का कंडीशन था, सारे स्कूल कॉलेज बंद हो चुके थे, तो जब ये स्कूल बंद हुए थे तो उस समय बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया गया, बच्चे बिना अपने कक्षा में पढ़ाई किए उनका जनरल प्रमोशन हुआ, यानी कि आगे के क्लासेस से पहुंच गए, इससे प्रदेश की शिक्षा के स्तर में गिरावट आया। तो इस शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए ये चाक परियोजना, जो कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है, ये हमारे प्रदेश में चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए अलग से 400 करोड़ का बजट भी इसके लिए निर्धारित किया है। 2500 करोड़ रुपए की राशि तो विश्व बैंक प्रदान कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं से 400 करोड़ रुपए की राशि इसमें निवेश कर रही है। COVID-19 संक्रमण रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकॉल के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों की उपस्थिति पर रोक के कारण प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर की कमी को सुधार के उद्देश्य से यह योजना चलाई जाएगी हमारे प्रदेश में अगले 5 साल के लिए। प्रदेश सरकार ने इसमें 400 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है, विश्व बैंक से 2500 या 2469 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी अगले 5 साल, यानी कि जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस एकेडमी, छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस एकेडमी जो कि खोला जा रहा है आपके रायपुर में, अभी आने वाले टाइम पे इसका भी लोकार्पण होगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बनी टेनिस एकेडमी, जिसमें 3500 दर्शक क्षमता वाला मेन कोर्ट है और साथ ही साथ 5 प्रैक्टिस के लिए कोर्ट बनाया गया है। ये है आपका मेन कोर्ट, जहाँ पे जो है दर्शकों के बैठने की क्षमता है 3500, ठीक है, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए आपके 5 कोर्ट बनाया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक टेनिस एकेडमी है, यानी कि टेनिस ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। यह यहाँ पे मुख्य कोर्ट है जो कि सिंथेटिक है, साथ ही साथ जो है आपके 5 प्रैक्टिस सिंथेटिक कोर्ट बनाया गया है, दर्शक क्षमता, ये सारे चीज़ों को देख लेना। बस एक चीज़ याद रखना कि इसमें जो है जो कोर्ट का जो टर्फ है ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने लगाया है। ये टर्फ का मतलब क्या होता है, ये जो आपका टेनिस का ये जो ग्राउंड है इसमें ये जो ग्रास है, ठीक है, इसे कहा जाता है आपका टर्फ, ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने इस टर्फ का निर्माण किया है। तो ये है छत्तीसगढ़ की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एयर क्वालिटी ट्रैकर, यानी कि जो वायु है, वायु की गुणवत्ता निर्धारित करने वाला एक सूचकांक, जिसमें 0 से 50 का जिन्हें अंक प्राप्त हुआ है वहां पर वायु की गुणवत्ता सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी, ठीक है, जबकि जहां पर जो है एक आपके देखिए सूचकांक में 0 से 50 के बीच दर्शाया जाता है वहाँ पे हवा संतोषजनक होती है, जबकि सूचकांक 51 से 100 के बीच हो या 101 से 200 का हो, मतलब मध्यम श्रेणी का है, और 201 से 300 के बीच हो, यानी कि खराब श्रेणी का है। इसमें देखिए ये हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता, यहाँ पर एक शहर शामिल है भिलाई, ये भिलाई संभवतः हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का भिलाई है, मैं एकदम कन्फर्म नहीं बोल सकता क्योंकि एक ही नाम के बहुत से शहर है देश में, भिलाई ये शामिल है, जिसमें अगर आप देखेंगे इसमें अंक कितना है 45, जहाँ पे हवा सबसे अच्छी है। अगर सबसे ख़राब हवा की बात किया जाए तो देखिए सूरत सेहत यहाँ हवा का स्तर दम घोटू है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दम घोटू हवा का स्तर, यानी कि सबसे ख़राब हवा का स्तर है आपके ग्रेटर नोएडा का, उसके बाद है आपका सूरत और आपका झुंझुनू, ठीक है, सूरत के बाद है आपका बर्नीहाट, और सबसे अच्छा देखिए मुंबई पटना लखनऊ जयपुर की भी स्थिति यहाँ पे ठीक दर्शाई गई है। अगर सबसे साफ़ हवा की बात किया जाए तो सबसे साफ़ हवा में वाले आपके शहरों में हमारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का भिलाई शामिल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेना। नेक्स्ट देखिए,
लिंगई माता मंदिर, लिंगई माता मंदिर या इसे ही कहा जाता है लिंगेश्वरी माता मंदिर, लिंगेश्वरी माता मंदिर, लिंगई माता मंदिर या लिंगेश्वरी माता मंदिर जो कि कोंडागांव जिले के आलोर गुफा में स्थित है। यहां पे स्त्री रूप में, ठीक है, स्त्री रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहां पर एक शिवलिंग है जिसे स्त्री रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। भाद्र शुक्ल पक्ष के नवमी के पश्चात आने वाले प्रथम गुरुवार को गुफा का द्वार 12 घंटे के लिए खोला जाता है, मात्र 12 घंटे के लिए, ठीक है। यहां पर निसंतान दंपत्ति संतान कामना के लिए दर्शन करने पहुंचते हैं। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के आसपास के राज्यों के भी बहुत से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर की अपने आप में बहुत मान्यता है। यहाँ पे प्रसाद स्वरूप खीरे का प्रसाद चढ़ाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके निसंतान दंपत्ति जो दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। बहुत मान्यता है इस मंदिर का। और जो मंदिर है ये भाद्र शुक्ल पक्ष के नवमी के बाद आने वाले पहले बुधवार को केवल 12 घंटे के लिए, साल में केवल एक दिन 12 घंटे के लिए गुफा का द्वार खोला जाता है, बाकी समय ये गुफा का द्वार बंद रहता है। यहाँ पे भगवान शिव की पूजा यानी कि शिवलिंग की पूजा स्त्री स्वरूप में की जाती है। इंपॉर्टेंट है, आलोर गुफा किस जिले में पूछा जाए तो कोंडागांव जिले में, लिंगेश्वरी माता का मंदिर या लिंगेश्वरी आपका लिंगई माता का मंदिर किस जिले में है पूछा जाए तो कोंडागांव जिले में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समर्थन मूल्य पर 67 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, इससे पहले ये लघु वनोपजों की संख्या कितनी थी, वो थी आपकी 65, अब 65 से बढ़कर कितनी हो गई है, 67 हो गई है। पूरे देश के 3/4 यानी कि 75% से अधिक लघु वनोपज की खरीदी हमारे छत्तीसगढ़ से होती है। 3/4 का मतलब 75% पूरे देश में जो लघु वनोपजों की खरीदी होती है उसमें 75% से अधिक लघु वनोपजों की खरीदी हमारे छत्तीसगढ़ से की जाती है। और छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के द्वारा प्रदेश में 67 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाती है, तो 67 प्रकार के, ठीक। नेक्स्ट है G20 सम्मेलन, इस साल जो है G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ठीक है। भारत में आपका G20 सम्मेलन हुआ। अब देखिए, रायपुर में जो है आपके G20 सम्मेलन का 4th फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग कब हुआ, 18-19 सितंबर 2023, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जो G20 है, G20 का हमारे नवा रायपुर में 4th फ्रेमवर्क, 4th फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप का, वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई 18-19 सितंबर 2023 को। आपके लिए बस ये डेट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके फॉरेन डेलीगेट्स पहुंचे यानी कि विदेशी मेहमान पहुंचे उन्हें यह भेंट स्वरूप दिया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ का बस्तर आर्ट है जो कि भेंट स्वरूप उन्हें प्रदान किया गया। तो 18-19 सितंबर 2023 को G20 का छत्तीसगढ़ में 4th फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चक्रधर समारोह। देखिए, चक्रधर समारोह का पिछले महीने के भी करंट अफेयर के वीडियो में मैंने बताया था, और पिछले महीने के करंट अफेयर के वीडियो में मैंने इसे बता दिया था आपका 39वां चक्रधर समारोह, जो कि क्या है, जो कि है गलत, ठीक है। पिछले बार के, पिछले महीने के वीडियो में जो है इसका संस्करण बताने में मेरे से गलती हुआ था। ये जो है ये आपके 38वां राजा चक्रधर समारोह है जो कि 19 सितंबर से प्रारंभ हुआ। 19 सितंबर से 21 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ। ये 3 दिवसीय समारोह था। सांस्कृतिक प्रतिभाओं को इसमें मंच प्रदान हुआ। गायन, वादन एवं नृत्य के बड़े कलाकार इसमें शामिल हुए।
19 सितंबर हर साल जो है गणेश चतुर्थी के दिन, जिस दिन गणेश जी बैठाए जाते हैं, गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है पंडालों में, गणेश चतुर्थी के दिन हर साल, इसका एकदम डेट निर्धारित है, गणेश चतुर्थी के तिथि से ही आपका राजा चक्रधर समारोह का आयोजन प्रारंभ होता है। 3 दिवसीय यह आयोजन होता है जिसमें नृत्य गायन एवं वादन से संबंधित कलाकार इसमें अपना परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा संस्करण है पूछा जाए तो 38वां संस्करण है। संस्करण इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक आयोजन हुआ इंपॉर्टेंट है, किस तिथि को यानी गणेश चतुर्थी के दिन इसका आयोजन होता है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कृष्ण कुंज, श्री कृष्ण कुंज। देखिए कृष्ण कुंज योजना क्या है, कृष्ण कुंज योजना जिसमें जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाता है नगरीय क्षेत्र में। ठीक है, नगरीय क्षेत्र में इस योजना को शुरुआत किया गया था पिछले साल 19 अगस्त 2022 को, याद रखना 19 अगस्त 2022, पिछले साल 19 अगस्त 2022 को कृष्ण जन्माष्टमी था, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही यह श्री कृष्ण योजना का शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। इसमें नगरीय क्षेत्र में जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाता है। एक है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जिसमें वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल, जैसे कि साल, सागौन, साजा, बीजा, ये सारे कमर्शियल वाणिज्यिक वृक्षों का रोपण होता है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत। इसमें जीवन उपयोगी और साथ ही साथ धार्मिक रूप से जो महत्वपूर्ण जो वृक्ष है उसका रोपण किया जाता है श्री कृष्ण कुंज योजना के तहत, वो भी नगरीय क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, नगरीय क्षेत्र में इनका रोपण किया जाता है। ये जो योजना प्रारंभ किया गया था उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक कथन भी कहा गया था कि हम जो है कंक्रीट से बने जंगलों में रहते हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र जो कि पूरी तरीके से इमारतें मौजूद है, इंडस्ट्री मौजूद है, हर तरफ देखने पर कंक्रीट दिखाई देता है, तो हम जो है कंक्रीट से बने जंगलों में रहते हैं, तो नगरीय क्षेत्रों में शुरुआत किया गया था श्री कृष्ण कुंज योजना। इसके अंतर्गत 169 नगरीय निकायों को शामिल किया गया अब तक, यानी कि जब कृष्ण जन्माष्टमी आई इस साल, इस अब तक जो है 224 एकड़ भूमि पर यह विकसित हो चुका है। 60,000 से अधिक वृक्ष इसमें रोपित किए जा चुके हैं, पारंपरिक एवं जीवन उपयोगी वृक्षों से पर्यावरण संरक्षण। ठीक, देखिए श्री कृष्ण कुंज योजना में फूल, आपके फूल रहे नीम, इमली, शहतूत, तेंदु, कैया, अनार, बेर, आंवला, जामुन, चिरौंजी, चंदन, बरगद, पीपल, कदम, ये सारे वृक्ष जो है इसमें रोपित किए जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है, पारंपरिक एवं जीवन उपयोगी वृक्षों से पर्यावरण संरक्षण, ये क्या है श्री कृष्ण कुंज योजना। जबकि वाणिज्यिक वृक्षों का रोपण, साल, सागौन, साजा, बीजा, वाणिज्यिक वृक्ष कमर्शियल लेवल पे जिनका जो है आपका सेलिंग होता है उसका रोपण किया जाता है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अंबिकापुर के ब्रिजेश राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। अभी शिक्षक दिवस का आयोजन हुआ था 5 सितंबर को, शिक्षक दिवस के दिन मुख्य आपके भारत के राष्ट्रपति, भारत की जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम ब्रह्मपुर अंबिकापुर के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। इनका भी नाम याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है आपके ब्रिजेश पांडे जी। अब नेक्स्ट है कुछ मिसलेनियस। देखिए सबसे पहले, नदी में सोने के कण, हमारे प्रदेश में सबरी और ईब नदी, सबरी और ईब नदी के बालू में, रेत में सोने के कण मिलते हैं, लेकिन हाल ही में नदी दिवस के दिन, ठीक है, जब आपका विश्व नदी दिवस मनाया जाता है उस दिन एक आर्टिकल आया दैनिक भास्कर में था, जिसे बताया गया कि कोटरी नदी जो कि बस्तर संभाग में प्रवाहित होती है, कोटरी नदी की दो सहायक नदी है भुस्की और पतकसा, ये जो दोनों जो नदी है ये कोटरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कांकेर जिले वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इन दोनों नदियों के बालू में, रेत में जो है सोने के कण मिलते हैं। ठीक है, आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, कांकेर वाले क्षेत्र में यह नदी प्रवाहित होती है, आपकी भुस्की और
पथकसा नदी जो कि कोटरी नदी की सहायक नदी है। कांकेर में ही एक जगह है जिसका नाम है तुमड़ी सुर, जहां पर आपका गोल्ड माइंस है। और ये जो नदियां हैं ये इसी तुमड़ी सुर नामक क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है। इस कारण से इन नदियों के रेत में सोने के कण मिलते हैं। ठीक है, सोनझरिया नामक एक समुदाय है जो कि सूपा लेकर के इसके रेत को उठा करके छान करके सोने के महीन कण एकत्र करती है। दूसरा है आपका रक्साहाड़ा पहाड़ी जो कि कांकेर में स्थित है। ये जो रक्साहाड़ा पहाड़ी है ये भी एक रामायणकालीन स्थल है। यहाँ पर बहुत ऐसा देखिए ऐसे स्थानीय स्तर पर यहाँ पर किंवदंतियाँ प्रचलित है कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने वनवास काल के दौरान इस क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने बहुत से राक्षसों का वध किया। यहाँ पर राक्षसों की बहुत सी हड्डियाँ मौजूद है। इस पहाड़ी से गुजरने पर एक हड्डी के जलने में जिस प्रकार से बू आती है उस प्रकार से बू इस रक्साहाड़ा पहाड़ी से आती है। अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था। बस याद रखना कि रक्साहाड़ा पहाड़ी किस जिले में है, तो ये मौजूद है आपके कांकेर जिले में। सरगुजा जिले के प्रमुख बांध घुनघुट्टा, जिसके नाम से आप सभी परिचित है। दो और याद रख लेना, बरनई और कुंवरपुर, ये दोनों के दोनों बांध। देखिए ये छोटे स्तर के बांध है ना, इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि तगड़ा बांध, ठीक है, जो छोटे स्तर पर न्यूज़ आर्टिकल में कभी कभार चर्चा में रहते हैं, लेकिन वो छोटे मोटे बांध जो कि हम पढ़ते नहीं हैं, जो मार्केट में जो ट्रेडिशनल बुक बहुत से कोचिंग सेंटर के बुक है वो ऑलरेडी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे बांध उसमें शामिल है। लेकिन हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें जो छोटे मोटे जो फैक्ट जो रह जाते हैं उसी चीज़ से अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो आपके जो बांध है, जैसे बरनई बांध या कुंवरपुर बांध किस जिले में पूछा जाए, तो सरगुजा जिले में ये बांध मौजूद है। घुनघुट्टा बांध, ये तो आपको मार्केट में मौजूद सभी पुस्तकों में ये बांध के नाम मिलेंगे, लेकिन ये बरनई और कुंवरपुर का नाम आपको बहुत कम पुस्तकों में मिलेगा। ठीक है, चर्रे मर्रे जलप्रपात जो कि कांकेर जिले में जोगीधारा नदी के ऊपर स्थित है, चर्रे मर्रे जलप्रपात। नेक्स्ट है महिला समृद्धि सम्मेलन, जिसका आयोजन 21 सितंबर 2023 को जयंती स्टेडियम दुर्ग जिले के भिलाई मौजूद जयंती स्टेडियम, जहां पर महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रियंका गांधी जी शामिल हुई थी। नेक्स्ट है नंबी झरना, जिसका दावा किया जा रहा है कि जो झरना है ये 540 फीट ऊंचा है, जो कि बीजापुर के उसूर में स्थित है। इससे पहले एक है आपका मकर भंजन, देखिए हमारे प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो तीरथगढ़ को माना जाता है, मुनगाबहार नदी के ऊपर स्थित है आपके बस्तर जिले में तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है। फिर आज से 2 साल पहले एक न्यूज़ आर्टिकल आया मकर भंजा जलप्रपात जो कि महान नदी के ऊपर जशपुर जिले में स्थित है आपका मकर भंजा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 400 फीट होने का दावा किया जा रहा था। अब आया नंबी जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 540 फीट होने का दावा किया जा रहा है, और ये हमारे प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो सकता है। अभी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप अपना आंसर लेंगे तीरथगढ़ ही, ठीक है, क्योंकि ग्रंथ एकेडमी की पुस्तकों में तीरथगढ़ आपका लिया गया है और साथ ही साथ एग्जाम में प्रश्न पूछा गया तो उसका आंसर भी तीरथगढ़ है। अभी दावा किया जा रहा है कि जो नंबी झरना है, नंबी जलप्रपात है आपके बीजापुर के उसूर में स्थित, ये इसकी ऊंचाई 540 फीट है और ये हमारे प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो सकता है। ऐसा ही दावा किया गया था मकर भंजा के टाइम पे भी। ठीक है, दनपुरी जलप्रपात है ये मौजूद है आपके जशपुर में। ठीक है, ये जो आपको जो जलप्रपात बता रहा हूँ ये इन जलप्रपात को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल में आने वाले जलप्रपात से एग्जाम में प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, शब्द सागर छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी के द्वारा प्रकाशित शब्द सागर एक पुस्तक, जिसके लेखक है पुनीत गुरुवंश। अब कुछ ने कमेंट किया था कि सर ये शब्द सागर छत्तीसगढ़ी शब्दकोश पुस्तक कहाँ मिलेगा, किस बुक डिपो में मिलेगा, किस वेबसाइट में मिलेगा, ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसका एक प्रोटोटाइप बस पब्लिश किया गया है। ठीक है, शब्द सागर छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, जिसके लेखक है पुनीत गुरुवंश। नेक्स्ट है मुकुंदपुर पहाड़, ये कहाँ पर स्थित पूछा जाए तो धमतरी जिले के सिहावर नगरी नामक स्थान पर मौजूद है मुकुंदपुर पहाड़। हाल ही में आपके राम वनगमन पथ जो आपकी योजना है उसके तहत भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की गई है इस मुकुंदपुर पहाड़ में। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मुकुंदपुर पहाड़ किस जिले में है, तो धमतरी जिले के सिहावर नगरी नामक स्थान में मौजूद है। कामधेनु विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश का एकमात्र
पशु विश्वविद्यालय, जिसका नाम चेंज करके वसुदेव चंद्राकर पशु विश्वविद्यालय कर दिया गया। पहले इसका नाम कामधेनु विश्वविद्यालय था, जिसका नाम चेंज करके आपके वसुदेव चंद्राकर पशु विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसके नए कुलपति बनाए गए हैं डॉक्टर राम रणविजय सिंह जी। ठीक, नेक्स्ट है विश्वकथा साहित्य सम्मान। विश्वकथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है परदेसी राम वर्मा जी को। ठीक है, परदेसी राम वर्मा जी को विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये था सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए।